नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के सिसवन ढाला स्थित जैक हॉस्पिटल में थर्ड जैक कप बैडमिंटन प्रीमियर लीग, जिसकी इनामी राशि 40,000 रुपये है, इस टूर्नामेंट को इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि लगातार ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है और इसी को लेकर के इस साल जो हो रहा है बैडमिंटन प्रीमियर लीग, जो कि थर्ड जैक कप है और इसमें 40,000 का इनाम रखा गया है, जो टूर्नामेंट को इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर एहतसाम अहमद के द्वारा इसका इस बार भी आयोजन किया जाएगा। बहुत सारे और भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, और आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि आयोजनकर्ता जो है, जो कमेटी है, उनके ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी जैक हॉस्पिटल में, जो कि सिसवन ढाला पर स्थित है, और तमाम तरह की जानकारियां दी गई। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहां पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, और उसके बाद से जो होने वाला है प्रीमियर जो लीग है बैडमिंटन का, उसमें 40,000 रुपये टूर्नामेंट को जो इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित किया जा रहा है, उसमें इनाम राशि भी रखी गई है, और उसके बाद इसमें क्या कुछ, किस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम है, इसके बारे में डॉक्टर एहतसाम प्रेस वार्ता में खुद मीडिया को आज जानकारी दिए। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्रेस वार्ता को। एटीएन लाइव के लिए रिशु आतिफ के साथ चंदन कुमार सिवान। प्रीमियर लीग जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं, उस बैडमिंटन प्रीमियर लीग के तमाम जो इंतज़ाम हैं, जो तमाम प्रिपरेशंस हैं, वो मुकम्मल कर ली गई हैं, वो पूरी हो गई हैं। तो कमेटी हम लोगों की आपके सामने मौजूद है, ये आप लोगों को और आप लोगों के ज़रिए तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि सिवान में एक वाहिद बैडमिंटन का एक शानदार मुकाबला, जो कि जैक कप के नाम से पिछले दो बार आप लोगों ने इसको देखा है, और ये तीसरा संस्करण है, ये तीसरी बार है, और इस बार हम लोग जो इनामी राशि है इस प्रोग्राम की, इस पूरे टूर्नामेंट की, वो 40,000 रुपये है। तो किसी भी बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए कैश प्राइज मनी का जो इम्पोर्टेंस जो है, वो हम लोगों की जो जैक कमेटी है, इन लोगों ने समझा, ताकि खिलाड़ियों को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो हमारे सिवान से बैडमिंटन के क्षेत्र में नई प्रतिभाएं राष्ट्रीय फलक पर निकल के आएंगी, और इसी मोटो को सामने रख करके हम लोगों ने अंतर ज़िला इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें कि कई ज़िले की टीम और शानदार बैडमिंटन के खिलाड़ियों को हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट है, उनके प्रदर्शन को तमाम लोगों को देखने का एक शानदार मौका मिलेगा। कहाँ कहाँ की टीम में भाग लेंगे? हमारे इस टूर्नामेंट में मुजफ्फरपुर के एंट्री है, महाराजगंज से भी लोग हैं, मीरगंज के भी लोग हैं, गोपालगंज के भी लोग हैं, और सिवान के भी जितने हमारे मायानाज खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, वो तमाम खिलाड़ी हमारे यहाँ खेल रहे हैं। और 23 दिसंबर को इसका जो है उद्घाटन हम लोग करेंगे, 23 दिसंबर के शाम को 5 बजे से, शाम के 5 बजे हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे, और 29 दिसंबर को इसका फाइनल होगा। पूरे टूर्नामेंट में 100 से ज़्यादा मैचेस होने हैं। रोज़ाना के लेवल पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 15 से 20 मैच रोज़ाना खेले जाएंगे। तो यानी कि जो शाम होगी सिवान शहर की 23 तारीख से 29 तारीख के दरमियान, ये बैडमिंटन के लिए एक शानदार शाम
और जो भी बैडमिंटन के शौकीन लोग हैं उनको बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे और जो नई प्रतिभाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से कि वो खेल करके स्टेट लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर जो उनके सपने हैं उन सपनों को बुन सकें, आगे बढ़ सकें। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की जो आप टीमों के लिए जो औपचारिकताएँ रखी गई हैं वो आगे भी वो उसकी संभावना है कि कोई नई टीम हिस्सा ले सके अभी से भी? नहीं, तमाम हम लोग आखिरी मरहले में अब बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि टीमें फाइनलाइज हो गई, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं। हम लोग ये पूरा का पूरा ये लास्ट फेज चल रहा है, चूँकि आज 20 तारीख है और 23 तारीख को हम लोग शुरू कर रहे हैं। कहाँ होगा, एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए हमारे दर्शकों को पता चल सके। आप देख सकते हैं हम लोग जिस ग्राउंड में बैठे हुए हैं, इस ग्राउंड को इंडोर बनाने का प्रयास किया गया है। आपने देखा है कि यहाँ पर ये 25 फीट ऊंची ये दीवार खड़ी की गई है बांस के। कौन सा है ये बस स्टैंड है? हसनपुरा बस स्टैंड सिसवन ढाला के नज़दीक जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसके ठीक सामने जो ग्राउंड है जिसमें कि सिसवन हसनपुरा जाने के लिए जो बसें खड़ी होती हैं उसका पूर्वी छोर है। आपने देखा है कि ग्राउंड को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जा रहा है, तैयारियां आपके कैमरे में दिखाई दे रही हैं और इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी ग्राउंड में बैठ के कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनको इस तैयारी के बारे में भी एक अंदाज़ा लगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट सिवान का टूर्नामेंट है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ही ये है कि सिवान के तमाम लोग इस टूर्नामेंट से वाकिफ़ हो जाए और जो भी शौकीन लोग हैं सभी मैच रात में ही होंगे। हाँ, 5:30 से हमारा मैच शुरू होने का टाइम है, 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 5:30 से मान के चलिए औपचारिकता 10 मिनट की अगर होगी तो 6 बजे से हर हालत में मैचेस शुरू हो जाएंगे और 9:30 बजे तक, रात के 9:30 बजे तक ये मैचेस हम लोगों के चलेंगे। डॉक्टर साहब, अभी देखा जाता है कि वर्तमान में जो क्रिकेट और फुटबॉल जैसे जो खेल है उनकी प्रासंगिकता ज़्यादा है युवाओं में, लेकर इसको लेकर के ज़्यादा दिलचस्पी देखी जाती है, ऐसे में बैडमिंटन का क्या आपका अपना एक उद्देश्य है? देखिए, दुनिया फास्ट होती जा रही है, फास्ट वर्ल्ड में टाइम का अभाव है और बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें 10 मिनट में आपका एक मैच हो जाता है और इस 10 मिनट में आपकी जो एरोबिक्स होती है, शरीर की फिटनेस होती है, हेल्थ होती है, इसकी भी पूरी की पूरी रखवाली हो जाती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उस 10 मिनट के एक मैच को खेलने के लिए जो खिलाड़ी होता है वो अपने को 10 साल तैयार करता है। जब वो 10 साल मेहनत करता है तो वो 10 मिनट में उसका शानदार मुजाहरा करता है। तो आपको 15 से 20 मैच किसी भी दूसरे खेल में अगर आपको कराने हैं तो आपको 1 हफ्ते 10 दिन लग जाएंगे और बैडमिंटन की ये खूबी है कि हम लोग 15 से 20 मैच रोज़ाना कराने जा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फिटनेस के एतबार से जो बैडमिंटन है वो बेस्ट है। आज के दौर में जब युवाओं में आप देख रहे हैं कि मोबाइल पर गेम चल रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है, वैसी हालत में कहीं ना कहीं बैडमिंटन का ये जो टूर्नामेंट है उन युवाओं में भी हौसला देगा, उम्मीद देगा कि वो वीडियो गेम छोड़ें और इस तरह के जो टूर्नामेंट हैं इस टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करें। सर, इस गेम में जो खिलाड़ी शामिल होंगे उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आईडी कार्ड हो या एज हो, कोई लिमिट? हाँ, देखिए, हम लोग 2 कैटेगरी में इस टूर्नामेंट को करा रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे पास ये हैं, सलमान साहब हैं, ये आपको बताएंगे जो कैटेगरी है खिलाड़ियों की। बताइए सर। हम लोग देखिए टोटल तो जहाँ तक उपहार समझे पूछ रहे हैं तो 10,000 रुपया फर्स्ट प्राइज है विजेता को, हाँ विनर को, और 7,500 आपको है इसका रनर को, तो और इसके बाद से भी और भी फेवरस प्राइजेज हैं लोगों के लिए हर मैच में। तो हाँ, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट मैच जो होगा टूर्नामेंट का उसको 2,500 रुपये दिया जाएगा
और उसके अलावा भी फेबलस मैच प्राइजेस हैं लोगों के लिए। अब इसमें तो सिवान में जिंदा था आपको इंडोर स्टेडियम जो शाहबुद्दीन साहब को बनवाया हुआ था, तो हम लोग उसके रेगुलर प्लेयर थे। अब तो ख़त्म हो गया, जर्जर हो चुका है, और कई बार हम लोगों ने इसके एडमिनिस्ट्रेशन को कहा इसके लिए कि आप जो हैं इसके लिए कुछ कीजिए। वक्त के समाहर्ता भी आए देखे, लेकिन किया लोगों ने कुछ भी नहीं, और वो पूरी तरह से अब ख़त्म है। उसमें लाखों रुपए की बिलियर्ड्स के टेबल, स्नूकर के टेबल्स, मैच के जो सब बनाया गया था, ये सब ख़त्म हो रहा है। मैंने आज को उसको जिंदा करने के लिए फिर कम से कम 50 लाख रुपये चाहिए गवर्नमेंट को। तो अब सवाल ये है कि मैच तो हम लोग इंडोर में ही कराते, इसी नाम से कराते अगर वो ज़िंदा होता, लेकिन अब तो चूँकि इंडोर को ये स्टेडियम या कायदे से है नहीं, तो इसको हम लोगों ने ये ज़िंदा किया। आप ये देख रहे हैं ये टोटल जो साजो सामान, तो इसकी इंतज़ाम की गई यहाँ पर ताकि शटल डिसबैलेंस ना हो अपनी जगह पर हवा की वजह से। और हम लोगों ने खुद खेल के यहाँ टेस्ट लिया कल, और 3-4 दिन पहले से ले रहे हैं, जिससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है और बहुत अच्छे ढंग से गेम हो रहा है। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग और इससे बेहतर भी करेंगे, इसमें जो होगा हम लोग जो अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। इसमें आ रहे हैं, एक मेंस डबल्स में है और दूसरा वेटरन्स डबल्स में है। मेंस में तो कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वेटरन्स में हमारे जो मैचेस होंगे वो 40 एज के अबव में हैं। जो 40 प्लस एज में है वही खेल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके लिए उनका आईडी आधार कार्ड अनिवार्य है, उन्हें वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर कोई खिलाड़ी एक मैच में हार जाता है तो क्या वो अगले टीम से खेल सकता है? इस तरह के नॉकआउट है, ये मैच हम लोग का नॉकआउट होगा, हम लोग का मैच नॉकआउट कोई भी नहीं होगा। हम लोग के मैचेस जो भी होंगे वो ग्रुप वाइज में होंगे। एक ग्रुप में 4 टीमें रखी गई हैं मेंस में, और वेटरन्स में भी उसी तरह से होगा। सारी टीमें सबसे खेलेंगी, मिनिमम 3 मैचेस एक प्लेयर को खेलना ही है, उसमें से 2 मैच उन्हें अपने निकालने होंगे अगले राउंड में पहुंचने के लिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रूल को फॉलो किया जाएगा या लोकल रूल पे? नहीं, इसमें पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय रूल को फॉलो किया जाएगा, जो अभी लेटेस्ट रूल जो बैडमिंटन एसोसिएशन के हैं उन्हीं रूल्स पर हम लोग मैच कराएंगे। ड्रेस व्रेस का भी मतलब कोई ऐसी है? नहीं, ड्रेस कोड हम लोगों ने फिलहाल अभी नहीं रखा है। बेसिकली जीन्स आप पहनकर नहीं खेल सकते हैं, लोअर टी शर्ट हम लोग अलाउ करेंगे, बेस्ट तो हाफ पैंट रहती है, लेकिन लोअर टी शर्ट हम लोग अलाउ करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इनामी राशि, इनामी राशि जो भी विजेता होंगे, जो टीम विजेता होगी, 10,000। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।